गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज 24/7 में। और आज हम आपके साथ आज से एक डेली क्विज खेलेंगे जिसका नाम है टॉपर ऑफ द क्विज। केबीसी की थीम पर आयोजित है और केवीटी 2020 मैंने इसको नाम दिया है। एसएससी रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट साइंस क्विज आज का है। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। आपको यहाँ पर एक लाल बॉक्स नज़र आ रहा होगा, तो कृपया करके उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, शोर मापने की इकाई है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है। तो इसके सही आंसर की बात की जाए तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, डेसीबल। डेसीबल में आपकी शोर को मापा जाता है। तो कई जगह पर आपने शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखी हुई देखी होगी, डीबी। डीबी में इस प्रकार से लिखा होगा, तो डेसीबल आपकी सही ऑप्शन यहाँ पर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा होता है क्योंकि। तो समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा होता है, क्यों खारा होता है? तो सही ऑप्शन की बात की जाए, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, नदियाँ जो हैं वो पृथ्वी से लवणों को बहा ले जाकर उन्हें समुद्र में उड़ेल देती हैं। तो ये है सही ऑप्शन। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्न में से कौन एक बौना ग्रह है? बौना ग्रह की बात की दी गई है, तो इनमें से देखते हैं कौन सा एक बौना ग्रह है। सही ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरिस। आयरिस एक बौना ग्रह है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया जल से उठने वाले पानी के बुलबुलों के चमकने के लिए कारक है? तो पानी के बुलबुले हैं जो चमकते हैं, वो किस प्रक्रिया के कारण चमकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो सही ऑप्शन की बात की जाए, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण आपके प्रकाश जो पानी के बुलबुले हैं वो चमकने लगते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल होते हैं वो संचरित होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल संचरित होते हैं, क्वेश्चन ये है। और सही ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण आपके सिग्नल हैं वो संचरित होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होती है ये किसमें आपकी यूज की जाती है? ये आपकी टेलीकॉम सेक्टर में यूज की जाती है, जिससे आप 4G वगैरह ये स्पीड होती है उससे संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, और क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सुनीता विलियम्स को पृथ्वी के बाहर ले जाने वाला स्पेस शटल था। तो यहाँ पे पहले से ही इसको मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ, मतलब इसका ऑप्शन दे चुका हूँ। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कवरी। तो डिस्कवरी के द्वारा सुनीता विलियम्स को पृथ्वी के बाहर ले जाया गया था, तो ये स्पेस शटल था। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन, सूर्योदय के समय किस कारण से लाल रंग का दिखाई पड़ता है? तो लाल रंग जो सुबह सुबह सूर्य का होता है वो किस कारण से होता है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और सही आंसर होगा कि लाल रंग को छोड़कर सभी रंग बिखर जाते हैं, जिसके कारण आपको सूर्योदय के समय आपका जो सूर्य है वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पर्वतीय स्थलों में जल का क्वथनांक बिंदु होगा। तो पर्वतीय स्थल हैं उन पर जल का क्वथनांक बिंदु क्या होगा? तो क्वथनांक बिंदु है वो समुद्र तल से, यहाँ पर तुलना की गई, समुद्र तल से कम होगा, अधिक होगा या बराबर होगा? सही ऑप्शन की बात की जाए, सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तल पर जो क्वथनांक होता है उससे कम होता है आपका पर्वतीय स्थलों पर क्वथनांक बिंदु जल का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त के पश्चात भी पृथ्वी सतह के समीप पाई जाने वाली वायु है वो किस कारण से निरंतर ऊष्मा अवशोषित करती है? तो सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद भी आपकी जो ऊष्मा अवशोषित होती रहती है वो क्यों होती रहती है और क्या कारण है इसका? सही आंसर की बात की जाए, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थलीय विकिरण होता रहता है जिसके कारण आपकी ऊष्मा है वो निरंतर अवशोषित होती रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, यूडियोमीटर। यूडियोमीटर मापता है, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, वायुमंडलीय दाब, समय, गैसों का आयतन या बाष्प दाब। तो यूडियोमीटर क्या नापता है आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। यूडियोमीटर से हम गैसों का आयतन नापते हैं, तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा गैसों का आयतन।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि ठीक करने में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है। तो आपके सामने देखिए दो प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है। पहला है निकट दृष्टि दोष कह सकता है, या कह सकता है मायोपिया। तो आपको ये भी याद रखना है कि मायोपिया है वो निकट दृष्टि दोष से संबंधित होता है। तो सही ऑप्शन की यहाँ पे बात की जाए, सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस से आपका मायोपिया है वो ठीक किया जा सकता है, उससे आपको पढ़ने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये है एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के समीप खड़ा व्यक्ति किस कारण किसी चलती ट्रेन की ओर खिंचाव बल का अनुभव करता है। तो जो रेलवे स्टेशन पर कोई व्यक्ति खड़ा है वो ट्रेन की ओर खिंचाव का अनुभव करता है, तो ये किस कारण होता है। सही ऑप्शन की बात कीजिए, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, उनके मध्य तेज प्रवाह वायु के कारण उत्पन्न जो दबांतर होता है उसके कारण वो एक खिंचाव का अनुभव करता है। तो ये रहा सही ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपके एक दो एग्जाम में अभी तक पूछे भी जा चुके होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो हमारी रेटिना पर निर्मित जो आकृति होती है वो कैसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। और सही ऑप्शन की बात की जाए तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टी छवि आपकी रेटिना पर बनती है जिसको हम सीधा करके बाद में देखते हैं। तो ये सही ऑप्शन है, वास्तविक और उल्टी आपकी रेटिना पर जो छवि बनती है किसी वस्तु को देखने पर, उसके बाद हम उसको सीधा करके देखते हैं कैसे भी करके कैलकुलेशन। और अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो गतिज ऊर्जा आपकी किस चीज़ पर निर्भर करती है। चार ऑप्शन आपके सामने, सही ऑप्शन की बात की जाए तो सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गतिज ऊर्जा आपकी जो है वो गतिमान वस्तु की गति और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा है वो आपकी गतिमान वस्तु की गति और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के तापमान परिवर्तन के दौरान प्रवाहित ऊष्मीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित हो, तो संग्रहित ऊष्मा होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान प्रवाहित ऊष्मीय ऊर्जा वो किस रूप में संग्रहित होती है। और सही ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में आपकी जो है ऊर्जा है वो संग्रहित होती है जो तापमान परिवर्तन होता है उस समय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, और ये है ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग डैश मापने में होता है। तो ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग किस चीज़ को मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पवन गति को मापने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किसी रेडियो को ट्यून करने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण एक परिवर्तनीय डैश है। तो रेडियो को ट्यून करने में जो आपका उपकरण प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, कैसा परिवर्तनीय होता है। तो सही ऑप्शन की बात की जाए, सही ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, संधारित्र होता है। संधारित्र के द्वारा आपका रेडियो को ट्यून करने में मदद की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो डैश बदलती है। तो ट्रांसफार्मर किस प्रकार की आपकी डिवाइस है और ये किस चीज़ को किस में बदलती है, ये आपसे पूछा गया। चार ऑप्शन आपके सामने, और सही ऑप्शन की बात कीजिए तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये निम्न वोल्टता दृष्ट धारा को उच्च वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा में आपकी बदलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। तो किसी वस्तु का भार आपका सर्वाधिक कहाँ पर होगा, विषुवत पर, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी के केंद्र पर, या फिर पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो सही ऑप्शन की बात की जाए, सही ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के ध्रुवों पर आपका जो वस्तु का भार है वो सर्वाधिक होता है। पढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सूर्य की तस्वीर खींचने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। सूर्य की तस्वीर आपकी अगर आपको खींचनी है तो किस यंत्र का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और सही ऑप्शन की बात की जाए तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी,
स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, इसका प्रयोग किया जाता है आपकी सूर्य की तस्वीर को खींचने के लिए। तो चलिए गाइज, अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए क्विज में, तो थैंक यू, गुड बाय।